नमस्कार, आप देख रहे हैं SR सुकनर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौरिया। आप हमारे YouTube चैनल SR सुकनर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसका बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि इस पर आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। केंद्र सरकार के द्वारा एट्रोसिटी एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर देश भर में विरोध है और विरोध का ये माहौल अशोकनगर में कुछ ज़्यादा ही है। 6 तारीख को हुए विरोध का ऐतिहासिक प्रदर्शन और इसके बाद आज 14 सितंबर को सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। एट्रोसिटी एक्ट में किए गए संशोधन के विरोध में आज इन लोगों ने मुंडन, सामूहिक मुंडन का कार्यक्रम रखा था। इस मुंडन का कार्यक्रम कई बातों को लेकर ऐतिहासिक और दूसरे प्रदर्शन से अलग रहा। पहली बार अशोकनगर में विरोध के तौर पर ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो अमूमन देखने को नहीं मिलती। सभी 543 सांसदों के या तो फोटो लगाए गए थे या फिर उनके नाम लिखे गए थे। साथ ही इन लोगों को आज मरा हुआ मानकर वो सारी रस्में अदा की गई जो किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद होती हैं। मुंडन के इस कार्यक्रम के दौरान सांसदों को श्रद्धांजलि भी दी गई, उनके लिए शोक भी मनाया गया, उनकी अर्थी भी निकाली गई, आखिर में उनकी काली पोत दी गई और बुरी तरह से दहाड़ मार मार कर ऐसे रोए जैसे कोई घर का आदमी जो है मर गया हो। आज ये अनोखा कार्यक्रम अशोकनगर के तुलसी पार्क पर आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से ही सामान्य, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के युवाओं में इस कार्यक्रम को लेकर खासा जोश दिखा। इस दौरान करीब 400-500 लोगों ने मुंडन का कार्यक्रम भी किया। मुंडन कार्यक्रम के बाद इन सभी सांसदों के जो चित्र लगाए गए थे या कुछ लोग जो चेहरे या उनके मास्क लगाए थे उन पर काले पोत दी गई थी और इस काले पोतने के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो सांसद संसद में इस सदन में इसका समर्थन कर रहे थे या संशोधन बिल को पास कर रहे थे उन सभी ने समाज को बांटने का काम किया है, इसलिए ऐसे लोगों को अब वो मरा हुआ मान रहे हैं। न केवल ये सब चीज़ें किए गए बल्कि आगे भी इस पूरे आंदोलन को ले जाने के लिए बात की जा रही है। आगे इनके शोक पत्र छपवाए जाएंगे और 13वीं जैसे कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। सांकेतिक रूप से सांसदों के मरण का ये कार्यक्रम बड़ा ही विचित्र था। दरअसल यहाँ न केवल एक दो सांसद बल्कि प्रधानमंत्री, उनके पूरे कैबिनेट मंत्री और तमाम तरह के सांसद और दूसरे लोग जो कि संसद में बैठते हैं राज्यसभा विपक्ष, जिसमें अशोकनगर के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल रहे, इसके अलावा BJP, कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग जो संसद के तौर पर इस बिल का समर्थन कर रहे थे, आज सभी का विरोध किया गया। साथ ही ये भी तय किया गया कि कोई भी राजनेता गांव में अगर घुसता है तो उसका विरोध किया जाएगा और आगामी चुनाव में इन सब लोगों के खिलाफ काम किया जाएगा जिन्होंने एट्रोसिटी एक्ट के बदलाव का काम किया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अशोकनगर में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह 10 बजे से ही मुंडन, सामूहिक तौर पर मुंडन का कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद अलग अलग कार्यक्रम इनके लिए आयोजित किए गए। एक शव यात्रा भी सांसदों की इस दौरान निकाली गई जो प्रमुख मार्गों से निकलती हुई पुनः वहीं वापस पहुंची और करीब 3-4 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा जिसमें एट्रोसिटी एक्ट में हुए बदलाव को लेकर मांग की गई है कि इसको खत्म किया जाए ताकि समाज में समरसता बनी रहे और लोगों के बीच जो वैमनस्यता इस कानून की वजह से आ रही है वो खत्म हो। इस काले कानून को लेकर आज कई अलग अलग तरह के युवाओं ने अपनी बात रखी। आपको सारे दृश्य बताते हैं कि किस तरह से रुदन किया गया था। ये रुदानी गायन पहली बार शायद आपने देखा होगा विरोध प्रदर्शन के दौर में। अमूमन राजनेता सांकेतिक तौर पर अर्थियां निकालते हैं मगर आज पूरी की पूरी संसद में बैठे सांसदों की एक साथ अर्थी निकाल दी गई, उनके लिए श्रद्धांजलि रखी गई, शोक सभा मनाई गई, मौन भी रखा गया और ऐसे कई सारे काम किए गए जो मृत्यु पर या मृत्यु के दौरान होते हैं। तो जब इनसे बात की तो इन युवाओं का कहना था कि इन सांसदों का होना या ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए हमने इनके मरे हुए मान लिया है और मरे हुए सांसदों के लिए जितनी भी चीज़ें वो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन की शुरुआत है, आगे इससे भी तेज और इससे भी आगे आंदोलन किया जाएगा। आज इस मुंडन के महाआयोजन महामुंडन कार्यक्रम में हजारों युवाओं के साथ साथ कुछ बुजुर्गों ने भी स्वेच्छा से मुंडन का कार्यक्रम मुंडन में योगदान दिया है। क्योंकि ये कार्यक्रम किसी वर्ग विशेष का नहीं है, ये सर्व अल्पसंख्यक, सर्व पिछड़ा, सर्व सामान्य वर्ग के लोगों ने इसमें स्वेच्छा से अपना मुंडन करवाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें लोकसभा में मौजूद सभी 545 सांसदों ने उस फैसले में संशोधन करके उसमें जो नया एक्ट लेकर आए हैं उसके विरोध में आज यहाँ मुंडन कार्यक्रम किया गया है।
इस मुंडन कार्यक्रम में हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से 545 सांसदों की यहाँ पे फोटो और उनके नाम की सांकेतिक उपस्थिति को ही प्रत्यक्ष मान लिया। उसके चलते हमने मौन धारण किया, उनको मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि चूंकि हमने इसलिए अर्पित की क्योंकि उनकी इंसानियत जो मर चुकी है, उस इंसानियत के मरे हुए में हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंडन श्रद्धांजलि के बाद हम लोगों ने रोदन कार्यक्रम भी किया, लोगों ने अपनी भावनाएं रोकर व्यक्त की। उसके बाद हमने शव यात्रा निकाली, समस्त राजनीतिक दलों की आज हमें यहाँ अर्थी निकाली है। अर्थी निकालने के बाद रोना पीटना भी हुआ। रोना पीटने के साथ साथ जो भी उन लोगों की वेदना है वो उन्होंने अपने रोकर जूते मारकर हर तरीके से व्यक्त की है। 6 तारीख को अशोकनगर जिले में एक बड़ा आंदोलन हुआ था SC ST एक्ट में संशोधन को लेकर, कार्यक्रम रखा है इस विरोध को लेकर। इन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये विरोध किस तरह का है और मुंडन का ये कार्यक्रम एक्चुअली में रखा किस वजह से और उसके पीछे की क्या चीज है, आप ये बताइए। जो बाल मुंडन का कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर किस तरह की चीजें रखी है? हमने सबसे पहले तो जो नेता ने आज बार में को इंतजाम करवाए, ने बार नहीं रहा, इन्हें अकेले ऐसे ही छोड़ेंगे भटकत रह जाए, इनकी लड़ाई परिवार के मुखिया चलेगा, इनको इनकी अस्थियां गटर में सवाले कहूँ स्वर्ग में ना चले जाए, स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए उन्हें, नर्क में जाना चाहिए बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये मुंडन कार्यक्रम रखा है, ये सब 78% लोग का हित करने में इनको कतई शर्म नहीं आती और इन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा कि कोर्ट ये जिसको बता रहा है कि ये 75% केसेस इसमें झूठे आ रहे हैं, तब भी इन्होंने उनको बचने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा 78% लोगों को। तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये मुंडन कार्यक्रम रखा है, हजारों की तादाद में लोगों ने मुंडन कराया है। आगे अगर अब भी सरकार नहीं जागती है तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और सभी वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग का एक एक व्यक्ति सड़कों पे उतरेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई। अभी भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी तो भाइयों ट्रेलर है, आगे पिक्चर और बाकी है। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी नेता गाँव में आए उसकी स्वागत जूतों के माला के स्वागत किया जाए। साथियों अभी जो हमने सांकेतिक किया है मुंडन का कार्यक्रम, आगे हम अगर सरकारें अभी भी नहीं जाती हैं तो आगे अशोकनगर में जो एक लहर चली है जिससे पूरे देश में एक बदलाव का शोर उठ रहा है, इसी संवेदन को हम आगे बढ़ाते हुए आगे अगर सरकारें नहीं मानती हैं तो हम आमरण अनशन करेंगे। अशोकनगर का प्रत्येक युवा भाई उस अनशन में सहभागी रहेगा और जब तक सरकारों को हम अपनी मांगों के लिए नहीं झुका देंगे जब तक हम अनशन से नहीं हटेंगे। मांगे हमारी मुख्य रूप से ये है कि जो SC ST एक्ट में संशोधन किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और वर्तमान में जो राज्यसभा ने अध्यादेश लाकर इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो बदला है हम उस निर्णय का विरोध करते हैं। ये बताओ कितने लोग हैं इसमें और कहां कहां से ये लोग जुटे हैं? ये 545 लोग अपने सांसदों के खिलाफ, पूरे सांसद लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के खिलाफ है और पूरे की पूरी 78% 100 करोड़ जनता पूरी इसके साथ है, हम लोगों के साथ है और हम सब एक है। चेतावनी है, यदि आज भी अगर शासन की आग नहीं खुली तो आगे आंदोलन के लिए तैयार रहे और किसी भी पार्टी किसी भी घर में नेता ने घुसपाएगा वोट मांगने के लिए, ये खुली चेतावनी है। शासन समझ पड़ेंगे। चलिए तो ये अशोकनगर जिले के लोग हैं, इनमें उत्साह भी है और जोश भी है, साथ ही इस एक्ट में जो बदलाव हुआ उसको लेकर विरोध भी है और विरोध को लेकर आज ये इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये विरोध आगे भी चलेगा और इससे तेज होगा, देखते हैं ये विरोध कितना होगा और नेताओं पर इसका कितना असर होगा। आज चंदेरी में RES विभाग के सब इंजीनियर को ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सब इंजीनियर को उसके निवास पर इस टीम ने सुबह सुबह धरना पहुंचा। सूत्रों ने बताया कि ग्राम पंचायत नानोन में हुए विकास कार्यों के एवज में इस सब इंजीनियर के द्वारा 2 लाख रुपये की राशि की मांग की जा रही थी। गाँव के उप सरपंच ने जब इसमें असमर्थता दिखाई और इसके बाद इसकी शिकायत लोकायुक्त को की और आखिरी में 50,000 रुपये में मामला फाइनल हुआ। 50,000 रुपये की रिश्वत देने के लिए गांव के उप सरपंच सब इंजीनियर के पास पहुंचे तो लोकायुक्त पुलिस पहले से वहां थी और जैसे ही रिश्वत दी गई उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि गाँव में विकास कार्य सड़क और दूसरे निर्माण कार्यों के एवज में सब इंजीनियर के द्वारा 2 लाख रुपए की राशि मांगी गई थी और भ्रष्टाचार का एक बड़ा कांड करने वाला था।